पहला विसल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 1 जनवरी सन 2023 है और इस वक्त मैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस को एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो पेशावर से जो लोकोमोटिव इसको लीड कर रहा है वो PH 28315 है। तो अभी ये सांगला हिल के पास पहुँच चुकी है और सामने जो मेरे कोचिज हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो भी थोड़ी सजी हुई हैं। और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो प्रॉक्स मैनेजमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम जो है वो चलेगी। शदीद किस्म की धुंध है, स्टेशन भी इस टाइम खाली पड़ा है। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि रात का टाइम है और मोबाइल से मैं जितना कवर कर सकता हूं मैं करूंगा, क्योंकि अंधेरा है। इस वजह से गाड़ी जो है लोकोमोटिव मुझे सही कवर नहीं मैं कर सका। और अगर इधर लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं कवर करूंगा। तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अरे भाई साहब, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है सिवाय फॉग है, धुंध है, फॉगी वेदर है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। तो अभी मैं आपको कोचेस दिखाता हूँ, क्योंकि पावर साथ नहीं लगी तो इस वजह से अंधेरा ही नज़र आएगा। तो देखते हैं। अच्छा, इधर अंधेरा है तो ये मैं मोबाइल की रोशनी से बस मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सजाई हुई है इन्होंने ट्रेन, तो अभी देखते हैं बाकी। ये ट्रेन सजाई हुई है इन्होंने, थोड़ा अब आपको नज़र आ रहा होगा। ओ यार नहीं जरूरत है की यार, इन्हें मैं साटे कर देना, एक मिनट होसला दे करो। आगे देख तो भाई ये 48 डाउन को सजाया जा रहा है। इकॉनमी क्लास और ये प्रॉक्स की मैनेजमेंट है। लोकोमोटिव की तरफ, और इसका जो लोकोमोटिव है वो GO 40915 जो है वो लीड करेगा इसको आज। GO 40915 इसने लीड करना है। मैं इससे ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा सकता।
जियो 40 9015 9015 जियो 40 यही लीड करेगा। तो अभी कपलिंग होनी है इसकी, जब कपलिंग होगी तब देखेंगे। तो गाड़ी अच्छा, ये जो सामने कोचेस खड़ी हैं इसके दूसरी वाली साइड जो है वो डेकोरेट कर दी है इन्होंने, ये अभी होनी है। तो अभी मैं इस वजह से इधर आया हूँ क्योंकि अभी दूसरी ट्रेन भी इधर से आएगी, तो उसको भी जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से कैप्चर करूँगा और फिर फाइनली ये प्लेटफार्म नंबर के ऊपर एक के ऊपर जो है वो यहाँ से रवाना होगी। ये 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। और अभी पिशावर कैंट से जो है वो निकली भी जो हुई है ट्रेन, तकरीबन सांगला हिल जाकर पहुंच चुकी है। पिशावर कैंट से जो है वो रहमान बाबा एक्सप्रेस आ चुकी है। फाइनली इफ्तिताह होने लगा ट्रेन का। तो ये दुआ होने जा रही है। राहुल तमाम मुसाफरीन को और इस गाड़ी को खैर वे से अपनी मंजिल पे पहुँचा। इस मकसद के लिए हमने इस नए प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की है, अल्लाह पाक उनकी मेहनत को कबूल मंजूर फरमा और आमीन आमीन। गाड़ी को राहुल आलमीन फिर हम दुआगो हैं मुसाफरों समेत इसकी मंजिल मकसूद से हिफाजत के साथ इसकी मंजिल मकसूद करें आमीन।
अच्छा भाई ये किसी भी टाइम विसल दे देगा। तो मोबाइल जो है ना वो मैंने स्टैंड बाय पे नहीं रखा, मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं और ये तकरीबन 50 मिनट लेट वैसे ही आ रहा है और आगे भी ये लेट हो रहा है मज़ीद। तो लाइट ऑन हो गई है इसकी फ्रंट की मेन। पहला विसल हो चुका है, चलें जी। तो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस फैसलाबाद से तकरीबन 10:15 बजे रात को कराची के लिए रवाना हो गई है। जियो 49015 इसको लीड कर रहा है। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। चैनल आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। ये सारे बैलून्स वगैरह ना इन लोगों ने उतार लिए। इस गाड़ी के सारे बैलून्स वगैरह जो है ना वो पैसेंजर ने उतार लिए। उन्नीस कोचिस के साथ ये कराची के लिए रवाना हुई है फैसलाबाद से। प्लेटफार्म नंबर 2 से इन्होंने निकाली है ट्रेन, जो कि बहुत गलत किया है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।